बहुत ज्यादा नहीं, राज अलग होने के 5-10 साल पहले की बात अगर आप कहें, जिसको आज बाईपास का नाम दिया जाता है, रातू रोड से HSC तक, हरमू रोड जिनको हम कहते हैं, उस रोड में लोग आने जाने से भी डरते थे। रात को तो छोड़िए, दिन में भी लोग नहीं आ पाते थे, इतना सन्नाटा, इतना वीरान, जंगल झाड़ से भरा हुआ। और यहाँ के लोग आम तौर पर प्रकृति के साथ ज़्यादा इनका जुड़ाव रहा है और प्राकृतिक व्यवस्था के साथ ही इनका पालन होता रहा, उसी के साथ बढ़े। और इस बीच कभी भी उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें हुई तो आप हम सब जानते हैं, ये लोग अपनी प्राकृतिक व्यवस्थाओं के माध्यम से ही अपनी इलाज करते रहे हैं। छोटी मोटी बीमारी तो कर ही लेते थे, बल्कि हाथ पैर भी टूट जाए तो भी आयुर्वेदिक व्यवस्था से ही अपने आप को ठीक कर लेते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितनी बड़ी इनकी एक जो चिकित्साई सोच रही होगी, जिससे वो अपने आप को ठीक करते हैं। आज के दिन में भी कई ऐसे चीजें दुनिया के समक्ष पड़ी हैं जो आज के दिन में भी हमारे लिए एक चुनौती है। जैसे हम कहें कि कई म्यूजियम में ममीज वगैरह रखे गए हैं, जो लोग मर गए उनको किस तरीके के लेप से लेपा गया है कि आज के दिन में भी उनका आप मृत शरीर को बिल्कुल अस्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और वो आज का नहीं है, कितने 100 साल पहले का है, 1000 साल पहले का होगा। तो इतना लंबा सफर इन सब चिकित्सकों का, इन सब व्यवस्था का रहा है। आज एक नई पीढ़ी इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और इसी क्रम में आज हम लोगों ने, सरकार ने 217 अभ्यर्थियों को सरकार का एक अंग बनाया है। मैं अभी कुछ चीजों को जानने का प्रयास कर रहा था और इस बार इस स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हमारी लगातार चिंताएं बनी रहती हैं। कई काफी तकलीफ दे खबरें भी स्वास्थ्य को लेकर के विभिन्न सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से सुनने को मिलता है। मुझे लगता है आज की इस नियुक्ति से उन समस्याओं पे भी हमें उसका समाधान निकालने में सहायक होगा। आज ये जो तीनों क्षेत्र से यहाँ पर आप लोग चयनित हुए हैं, नियुक्त हुए हैं, यूनानी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हम तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज,
इन सब के बारे में तो बहुत फ्रिक्वेंटली बातें हमारे कानों तक आती रही हैं, लेकिन यूनानी की पढ़ाई कहाँ हो रही है, आयुर्वेदिक की पढ़ाई कहाँ हो रही है, होम्योपैथिक की पढ़ाई कहाँ हो रही है? सही बारे माने पूछे तो अभी तक मेरे कानों में कहीं से ये आवाज नहीं आई। अभी बैठे बैठे इसी विषय पर मैं मुख्य सचिव से चर्चा कर रहा था और आज मुझे काफी खुशी हो रही है कि आज आप लोग इतने बड़े पैमाने पर सरकार का अंग बनने के लिए तैयार हुए हैं। आज सरकार स्वास्थ्य को लेकर जिस तरीके से अपना सर खपाती रहती है, फिर भी समाधान नहीं निकलता। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग सरकार का अंग ही नहीं बल्कि एक ऐसी व्यवस्था के साथ जुड़ने जा रहे हैं जहां आपके माध्यम से सरकार के लिए जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में चुनौती बनी रहती है उस चुनौती को आपको स्वीकार करना है। आज सरकार ने इस विषय पर कई तरीके के इंसेंटिव देने का भी निर्णय लिया है। आप अपने जिस क्षेत्र में हो उस क्षेत्र में आप बेहतर कार्य करेंगे तो जो आपको सैलरी के रूप में सरकार ने सुनिश्चित किया है उसके अलावा 15,000 रुपये और एक्स्ट्रा भी देने का निर्णय सरकार ने बनाया है। हर महीना आप हर महीना का बेहतर करेंगे तो हर महीना 15,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिले, बल्कि आप अगर पूरा साल अगर आप बेहतर करेंगे तो उसमें जो भी इंसेंटिव आपको मिलेगा मैं उसको एक बार फिर से रिविजिट करूंगा और क्या बेहतर आपको दिया जा सकेगा वो हम करने का कोशिश करेंगे। और मैं आपको ये भी आश्वस्त दिलाना चाहता हूं आज इस आयुष के नियुक्ति के शुभ अवसर पर, आयुष चिकित्सकों के शुभ अवसर पर मैं पहली बार आप लोगों के इतने बड़े समूह के साथ बैठा हूं। आप लोगों की आने वाले पीढ़ी के लिए इस क्षेत्र में इसके शिक्षा के लिए भी एक नई शुरुआत हम करेंगे जहां हम इन यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक की पढ़ाई सरकार के द्वारा कराई जा सके। हमारे राज्य में बहुत पिछड़ापन है, गरीबी है, हर हमें पता है हमारे यहाँ के बच्चे किस तरीके से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं अपनी भविष्य को चिंता करते हुए कि शायद मैं कुछ जमीन बेच दूं, घर गिरवी रख दूं और पढ़ लूं तो मुझे भविष्य में नौकरी मिलेगा। आज आपने देखा कितना बड़ा दर्दनाक घटनाएं घटा, यूक्रेन में इतने बड़े पैमाने पे भारत से बच्चे गए थे पढ़ने के लिए, कोई आधा अधूरा पढ़ा, कोई एडमिशन लिया, कोई फाइनल करने जा रहा था, ऐसा वहां संकट आया कि उनको पढ़ाई छोड़ छाड़ करके भागना पड़ा। बड़े पैमाने पर उनके पेरेंट्स ने कर्ज ले ले करके उन बच्चों को वहां भेजा। आज स्थिति ये बनी पड़ी है कि वो बच्चे ना इधर के हैं ना उधर के, और जो सरकार और पेरेंट्स ने जो लोन ले रखे हैं वो तो अपने सर पर बैंक चढ़ करके लेना ही है उसको, और इस विषय पर भारत सरकार को ही निर्णय लेने हैं लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। और इसी प्रकार यहां पर भी जो आप लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई पंजाब जाता है, कोई हरियाणा जाता है, कोई बिहार जाता है, कहां जाता है, मैं कोशिश करूंगा आने वाला समय में यूनानी होम्योपैथिक और जो आयुर्वेदिक की पढ़ाई इसी राज्य में हो बेहतर तरीके से, ऐसी व्यवस्था हम करेंगे। और इसमें आप सब लोग अपनी भी जो सुझाव होंगे वो सुझाव हम तक पहुंचाने का काम करें ताकि इस दिशा में बेहतर तरीके से हम लोग चीजों को स्थापित कर पाए। आज
दो दो खुशियों का दिन है, जितने बड़े पैमाने पर आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति। दूसरा, हमारे यहाँ हमारे बीच में आए प्रशांति फाउंडेशन के जो गुजरात से हैं, मनोज भीमानी जी, ये फाउंडेशन स्वास्थ्य विभाग के साथ अभी जो एमओयू हुआ, ये भी इस पिछड़े राज के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। आज मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि आज जो एमओयू हुआ है, इसके तहत इस राज्य के युवा और वयस्क ने, बच्चे और वयस्क, एक गुजरात, एक राजकोट में, एक अहमदाबाद में, जहां